वेलकम टू माय चैनल जीके नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर्स और साथ में मिनी जू, जो ईज़िली आपको याद हो पाएंगे। उससे पहले मैं एक करेक्शन कराना चाहूँगी। जो मेरी लास्ट लेक्चर में मैंने फॉरेस्ट पॉलिसी बताई थी, जो जो वन और वन्य जीव टॉपिक के तहत थी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा, उसमें करेक्शन थी कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 में आई थी, ठीक है, उसका जो पर्पस था वो था 6.49% से 20% बढ़ाना। बट वो क्या चीज़ बढ़ानी थी, वो मैंने सिर्फ ट्री कवर बताया था, बट वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, ओके, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 6.49% से 20% तक बढ़ाना, ठीक है। ये इनका पर्पस था जो फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 की थी, ठीक है। अब ये हमारी करेक्शन थी, जो मेरी लास्ट लेक्चर में मुझसे हो गई थी एक मिस्टेक, उसको करेक्ट किया मैंने, ठीक है। तो जो आज हमारा मेन कौन सा टॉपिक है वो एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर और मिनी जू है, जो HSSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम जो फर्स्ट है वो करेंगे चिंकारा एनिमल एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। चिंकारा जो सा है उसको हम हिंदी में चिंकारा ही लिखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इसका आएगा कायरू, भिवानी, ठीक है। ईयर इसका आएगा 1985। तो 1985 में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था कायरू भवानी में। एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर को आप कहेंगे पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र जो सा है वो आपका कायरू भवानी 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह से क्रोकोडाइल, जिसको मगरमच्छ भी कहते हैं, ये भोर सैदा कुक्षेत्र में एस्टेब्लिश किया गया था और एस्टेब्लिश हुआ था ये 1981 में, ठीक है। तो विलेजेस के जो या तहसील के या डिस्ट्रिक्ट जो नाम है वो साथ बताए जा रहे हैं, इसी वजह से कि कभी कभी भोर सैदा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जैसे कायरू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे करा है आपने तो आपको ये याद रहेगा कि कायरू जो सा है वो भिवानी में पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बक, यानी कि काला हिरन। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है आपका पिपली कुक्षेत्र में, ठीक है। और है, और एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट है पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, यानी कि प्रजनन केंद्र मोर एवं चिंकारा। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2011 में और है कहां पे, ये झाबुआ रेवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है फेजेंट, फेजेंट हुआ है तीतर, ठीक है। फेजेंट जो सा है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1991 से 1993, ये 2 to 3 ईयर्स से ही आपको याद रखना है, 1991 से 1993 तक ये एस्टेब्लिश हुआ था। और ये है कहाँ पर, मोरनी पंचकुला में, ठीक है, ये याद रखना है आपको, मोरनी पंचकुला में। नेक्स्ट है वल्चर, वल्चर मतलब जटायुगित, ठीक है। जटायु ग्रिथ ये आपका 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था और है कहाँ पर, ये पिंजौर, पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। इसे आपको, ये जटायु ग्रिथ यानी कि वल्चर को, इस वल्चर ब्रीडिंग सेंटर को पहले वल्चर VCC वल्चर क्लियर सेंटर कहते थे, ठीक है। और इसे और क्या कहते हैं, जटायु
कंजर्वेशन, ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जो वल्चर है उसे जटायु ग्रंथि कहते हैं, और इसको वीसीसी भी कहते हैं, यानी कि वीसीसी मतलब वल्चर क्रियर सेंटर नेक्स्ट। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो ये और है कहाँ पर, ये पिंजौर पंचकुला में 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में मतलब 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और दो सोसाइटीज थी जिन्होंने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था, फर्स्ट था हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और दूसरा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। दो दो जो से डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था, वल्चर क्रियर सेंटर को, वल्चर क्रियर सेंटर को या जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर को। ये याद रखेंगे, वल्चर को जटायु ग्रंथि कहते हैं, और वीसीसी भी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर को वल्चर क्रियर सेंटर भी कहेंगे, और जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी कहेंगे। और पिंजौर पंचकुला में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये डिस्ट्रिक्ट जो सा है इसका पिंजौर पंचकुला ये पड़ता है वहाँ पर, और 2001 ईयर में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और दो सोसाइटी दो दो लोगों ने इसको, दो डिपार्टमेंट्स ने, नॉट लोग, इट इज़ दो डिपार्टमेंट्स ने इसको मिलके बनाया था। ये है एस्टेब्लिश उसको किया था, वो है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारे एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर यानी कि पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र जो से हैं वो ख़त्म होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जू ऑफ हरियाणा मतलब चिड़ियाघर। तो पहला जो जू है मिनी, इनको मिनी जू कहते हैं, ठीक है, मिनी जू है 1982 से 83 में बना, ठीक है। दूसरा था 1985 से 86 में बना, और थर्ड भी 1985 से 86 में ही बना था, ठीक है। तो जो मिनी जू है वो पहला जो था 1982 से 1983 वाला है वो भिवानी का है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। दूसरा है रोहतक का, ठीक है, इसको तिलियार जू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिपली कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो तीन तरह के जो जू यहाँ पे पड़ते हैं, तीनों ही उनको मिनी जू कहते हैं उन्हें। और जो फर्स्ट जो सा मिनी जू है हमारा वो पड़ता है भिवानी में, 1982-83 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और दूसरा जो सा है वो है रोहतक में, जिसको तिलियार जू भी कहते हैं। तो इनके क्वेश्चन आ जाए तिलियार जू कहाँ है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि वो रोहतक में है, और 1985 से 86 में ये एस्टेब्लिश हुआ। और थर्ड जो मिनी जू था वो भी 1985 से 86 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, बट उसकी जो प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है पीपली कुक्षेत्र, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये भी शॉर्ट था, इसी वजह से कि आपको इजीली याद हो सके, तो इजीली याद हो सके। तो हमने जो आज किया है वो पहला है एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, और सेकंड किया है जू। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा मैटर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप इसको कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।